हेलो फ्रेंड्स, सिलास फूडशाला में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी कच्ची हल्दी का अचार। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए घंटी जरूर दबाएं। हल्दी अदरक जैसी ही दिखती है, बस इसका रंग थोड़ा सा पीला होता है और ये बाजार में सर्दियों में ही मिलती है। मैंने इसे अच्छे साफ पानी से धो लिया है और इसे सुखा लिया है। इसके छिलके मैं पीलर की सहायता से उतारूंगी। इस मौसम में कच्ची हल्दी का अचार बनाकर रख सकते हैं और हल्दी पाचन के लिए भी लाभदायक है। हल्दी के ऊपर के भाग को कट कर ले और नीचे के भाग को भी कट कर ले। इसके चौकोर चौकोर पीस करेंगे। हल्दी के पूरे चौकोर पीस हो चुके हैं। 200 ग्राम हल्दी में 2 पिंच कलौंजी, इसे काला जीरा भी बोलते हैं, 1 पिंच हींग, 1.5 टीस्पून नमक से अच्छे से मिला लें। नमक पूरी हल्दी में लग जाए। 1 टीस्पून काली राई जो मैंने पीस ली है, 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून सरसों का तेल, मैंने एक नींबू लिया है। इतनी सारी हल्दी में इसका रस मैंने निकाल लिया है। एक नींबू का रस और अच्छे से मिला लें। कच्ची हल्दी सर्दियों में ही ज्यादा आती है, आप इसे एक साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। हमारी कच्ची हल्दी का अचार तैयार है, 2 दिन बाद में आप खा सकते हैं। अगर इसे स्टोर करना है तो आप इसमें इतना तेल डालिए कि हमारी जो हल्दी है वो पूरी नीचे तक डूब जाए। कांच के कंटेनर में डालेंगे। कंटेनर को एकदम अच्छे से धो ले और साफ कपड़े से पोंछ ले। इसमें बिल्कुल भी गीलापन नहीं रहना चाहिए, अगर गीलापन रहा तो हमारा अचार बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। अचार को कंटेनर में डालने के बाद इस तरह से दबा दे, जो भी तेल हो वो ऊपर आ जाएगा। तेल ऊपर आने से हमारा अचार ज्यादा दिन तक रहता है। आपको अगर तेल कम लगे तो आप ऊपर से और थोड़ा डाल सकते हैं और ढक्कन लगा दे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।